तो शार्क टैंक में हम पिच में क्या देखते हैं? तो मैं 3 things देखती हूँ. फर्स्टली फाउंडर. आई लुक फॉर फाउंडर्स जिसमें एम्बिशन है बट ऑल्सो ह्यूमिलिटी है. तो आई प्रेफर फाउंडर्स जो फेलियर एक्सपीरियंस कर चुके हैं बिकॉज उससे उनकी रेजिलियंस का पता चलता है. बिकॉज एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है वो बहुत लॉन्ग एंड टफ होती है. नंबर 2 इज उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर एंड देयर मार्केट. फाउंडर जिनकी डेप्थ है ऑफ देयर नंबर्स एंड देयर कस्टमर इनसाइट्स. एंड द थर्ड थिंग इज ऑनेस्टी. तो अगर आपको कोई डेटा पॉइंट पता नहीं है या आप जानते नहीं है कोई नंबर के बारे में, तो आप में वो ऑनेस्टी है उसको एडमिट करने की, उससे ट्रस्ट बढ़ता है.